ओम शांति। हम सभी बाबा की याद में मग्न रहकर अपने समय को सफल कर रहे हैं। तपस्या ही हमारा जीवन है। ये थोड़ा सा संगम योग श्रेष्ठ तपस्या में बीतता रहे, यही हमारा श्रेष्ठ संकल्प है। ये प्रभु मिलन के दिन फिर कभी नहीं आएंगे। ये भाग्य बनाने की घड़िया यूं ही न बीत जाए। श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण हमें करना है। भगवान स्वर्ग हथेली पर लेकर हमारे सम्मुख उपस्थित हो गया है। अपने सर्व खजाने देने के लिए हमारा आह्वान कर रहा है। भोलेनाथ बनकर बैठते हैं वे सवेरे, हमारा आह्वान करते हैं, आओ बच्चे मेरे से सब कुछ ले लो। तो हम बाबा से सब कुछ लेते चलें और इस जीवन को सर्व खजानों से भरपूर करके तृप्त करते चलें। हम कलयुग के अंत में रह रहे हैं। यहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं, परंतु हम याद रखेंगे समस्याएं तो कमजोर मन की रचना है। यदि हम पावरफुल हों तो हमें अनेक समस्याएं तो समस्या प्रतीत ही नहीं होती। सच तो यही है कि समस्याओं को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। हम अपने लेवल को बहुत ऊंचा उठा दें तो ये सब हमें खेल जैसा प्रतीत होने लगेगा। हम छोटी छोटी बातों में विचलित न हो, हम अपने मन को बहुत कमजोर और निगेटिव न कर दें, तो समस्याएं हमारे सामने आने से भी घबराएंगी। जैसे शेर के सामने आने से सभी जानवर घबराते हैं, मनुष्य घबराते हैं, वैसे ही हम सर्व शक्तिवान की संतान यदि अपने सत्य स्वरूप में रहें, तो समस्याएं हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेंगी, क्योंकि हम समस्याओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। जैसे आपके पास यदि मच्छर या पतंगे आएंगे, कोई भी जीव जंतु आएगा, तो वो जलकर नष्ट होगा। वैसे ही हमारे पास भी यदि विघ्न और समस्याएं आएंगी तो उन्हें नष्ट होना ही है। हम अपने स्वरूप को जागृत करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विघ्न विनाशक हूँ। मुझे समस्याओं से नहीं डरना है, समस्याएं मुझसे डरेंगी। और ये कमजोर मन की रचना है। यदि हम अपने मन को पावरफुल बनाकर रखेंगे तो समस्याएं नहीं रहेंगी। तो याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरे पास सभी समस्याओं को सामना करने की शक्ति है, उन्हें नष्ट करने की शक्ति है। सवेरे ही इस स्मृति का तिलक स्वयं को दे देना है, तो देखेंगे समस्याएं नष्ट होती जाएंगी। और इस जीवन को एंजॉय करना है, याद रखना है समस्याओं का काम है आना और हमारी शक्ति है उन्हें नष्ट कर देना। हमारे पास बल है उन्हें समाप्त कर देने का। वो अपना काम करें, हम अपना काम करते रहें। उनसे घबराने की हमें आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और जो मनुष्य समस्याओं से नहीं घबराता, समस्याएं उसको और अधिक शक्तिशाली और अनुभवी बना देती हैं, ताकि वो सभी को समस्याओं से मुक्त करने में मुख्य योगदान दे सके। तो आज सारा दिन हम याद करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, श्रेष्ठ तपस्वी हूँ, इस देह में अवतार हूँ, मैं परम धाम से इस देह में आई हूँ और मुझे अपने कार्य पूर्ण करके इस देह को छोड़कर
वापिस अपने घर परम धाम जाना है, तो आज सारा दिन ब्रह्मा बाबा की तरह जाने का और आने का अभ्यास करते रहेंगे।